हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू मेक चपाती। चपाती या फिर रोटी बनाने के लिए हम आटे की बॉल बना लेंगे। बहुत बड़ा या फिर बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज का बनाएंगे। इस पे सूखा आटा लगा के इसे हम बेल लेंगे। बेलते वक्त हमें ध्यान रखना है कि इसकी साइड्स को हमें पतला रखना है। बेलते वक्त हमें ज्यादा जोर नहीं लगाना है, इसे हम हल्के हाथ से बेलेंगे। आटे का डो रेडी करते हुए हमें ध्यान रखना है कि वो बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा टाइट आटा गूंदेंगे तो रोटी हमारी सॉफ्ट नहीं बनेगी। रोटी को हमें पतला बेलना है। गरम तवे पे हम रोटी रख देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। इसका कलर चेंज होने लग गया है। जब पूरी रोटी का कलर चेंज हो जाए तब हम इसे पलटेंगे। इसे दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। इसमें बबल्स आने लग गए हैं, अब हम इसे पलटेंगे। इसकी साइड्स को हल्के हाथ से हम प्रेस करेंगे। अगर कहीं से कच्चा लगता है तो वहां पे भी हल्का सा प्रेस कर लेंगे। इस पे घी या बटर लगा लेंगे। हमारी रोटी बनके रेडी है। हमें ध्यान रखना है कि रोटी का कलर चेंज होने के बाद ही हमें उसे पलटना है। अगर हम पहले पलट देंगे तो वो फूलेगी नहीं। और मैंने इस वीडियो में जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई आप उसे ज़रूर फॉलो करें। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपकी रोटी ज़रूर फूलेगी, भले वो परफेक्ट गोल हो या ना हो।